गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन राठौर, सीएलसी सीकर, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज शुरू करते हैं हम पीरियड टेबल के बारे में, स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियड टेबल में बेटा हर साल एक क्वेश्चन आता है, ऐसे ही अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। निम्न में से कौन सा सीएनजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है। बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश अपन कैलकुलेट करते हैं, जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है, टोटल अट्रैक्शन फोर्स, और ये क्या है, टोटल रिपल्शन फोर्स। बेटा जी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नाभिक के जितना कोई इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अपन देखते हैं इनमें से नाभिक के सबसे पास कौन होगा, सर जी बताएं। तो नाभिक के सबसे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो वहाँ फोर है या थ्री है, और यहाँ टू है। तो नाभिक के पास न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट होगा वो टू होगा, और पी में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ऊपर मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम 2p के लिए आना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ जी, आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। अपन तो ये देखने, सर ने जैसे बताया मुख्य क्वांटम से हम क्या बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जितने कम होंगे उतना न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा कौन होगा, 2p 3 होगा, दो नंबर सबसे कम है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए सर सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ उदासीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार दिए गए हैं। तो अगर फर्स्ट देखें 1s2 2s2, तो ये एक तरीके से फोर टोटल एटॉमिक नंबर आ रहा है, ये बेरिलियम का हो गया। दूसरा दे रखा है 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 2 और 2 4 और 1 5, ये बोरॉन के लिए हो गया। फिर 1s2 2s2 2p4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के लिए। हो गया सर 1s2 2s2 2p3, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के लिए हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ सर इनके लिए अपन कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखने, इनको एलिमेंट लिख लें। ये कौन सा एलिमेंट हो गया, बेरिलियम। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा, बोरॉन हो गया। बोरॉन हो गया, ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया। बेटा जी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आता है तो पहले उनको एलिमेंट्स में चेंज कर लें, उसके बाद में उनको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करें, उससे आपका क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे अपन देख रहे हैं, जैसे अपन देखें ये बेरिलियम है सबसे पहले, फिर बोरोन आ गया, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इनकी क्या ज्ञात करना है अपने को, अपने को क्या देखना है, सेकेंड ईए काउंट करनी है, आईई काउंट करनी है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी काउंट करनी है। तो अपन देखें इसमें क्या है, P4 है, इसमें क्या है, P3 है, इसमें क्या है, P1 है, और इसमें क्या है, S2 है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आपके पास तो अपने को क्या करना है, सीधा सीधा एक याद रखना बेटा जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सबसे ज्यादा किसका आएगा, P6 का आएगा, फिर P5 का आएगा, और फिर उसके बाद है P3, उसके बाद है P4, P2 एंड S2, P1 एंड S1 आएगा। तो अपन ने इसमें देखा सबसे ज्यादा अपने पास किसका आ रहा है, अगर आई ई फर्स्ट की बात करें, परंतु ये सेकंड की बात करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये P3 चेंज हो गया, ये किसमें चेंज हो गया, P2 में चेंज हो गया, और ये किसमें चेंज हो गया, S2 में चेंज हो गया, और ये किसमें चेंज हो गया, S1 में चेंज हो गया। तो मैक्सिमम अपने को किसकी मिलेगी बेटा जी, ऑक्सीजन की। आई ई सेकंड की बात करें तो अभी इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर कहां से आएगा अपने को, ऑक्सीजन से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगेगी अपने को, तो ऑक्सीजन किसमें बना हुआ है, सी में, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक, ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। अगर इनका ऑर्डर पूछते तो ऑर्डर में आपने सबसे ज्यादा किसकी आती, ऑक्सीजन की, फिर किसकी आती, नाइट्रोजन की, एंड फिर किसकी आती अपने पास, बोरोन की, एंड फिर किसकी आती अपने पास, बेरिलियम की आती। ये अपने पास ऑर्डर आया था किसका, आई ई टू का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर शोन बिलो। कुछ तत्वों के प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा दिखाया गया है। अब I1 ए एलिमेंट का 2372 और I2 5251, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, और अगर बी ऑप्शन देखें तो 520 और 7300 है, तो 520 काफ़ी कम है उसके कंपेरिजन में 7300
काफ़ी ज़्यादा है, और जो थर्ड है 900 और 1760, और फोर्थ है 1680 3380। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी अ नोबल गैस। नोबल गैस, तो नोबल गैस होने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम को छोड़ दो तो हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाकी सभी जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और p6 रहता है। तो जिसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, फर्स्ट टाइप की देखते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम किसकी है, फर्स्ट टाइप की ए की हो गई, तो आंसर आ जाएगा अपना ए। बेटा एक बात बताइए अपन कि एक पीरियड में अगर अपन बात करते हैं, एक पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी, एक पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी इनर्ट गैस की 18 ग्रुप की होती है, और सबसे कम आईपी होती है वो क्षारीय धातुएं एल्कली मेटल्स की होती है, फर्स्ट ग्रुप की होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, देखते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आईपी भी इंक्रीज होगी। तो अपने देखा मैक्सिमम आईपी अपने को फर्स्ट आईपी मैक्सिमम कहां मिल रही है, अपने को ए में मिल रही है। तो इसने पूछा भी यही है कि कौन सा नोबल गैस हो सकता है, तो कौन हो सकता है, फर्स्ट अपना क्या हो सकता है, नोबल गैस हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अपन बात करें आईपी के लिए, आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आईपी नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होगा बेटा जी, साइज इंक्रीज होगा। इसलिए साइज की आईपी क्या होती है, इनवर्स होती है, और जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी इंक्रीज होगी क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे आईपी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। कुछ जगह पर अपने एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे P3 अपना विन्यास आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया, या फिर S2 आ गया, वो अपने क्या होगा, अपने पड़ोसी से आगे निकल जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल के लिए बात करें, बेरिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा रखेगा। वैसे तो अगर जेड इफेक्ट की बात करें तो जेड इफेक्ट किसका ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा, परंतु आईपी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। किसके कारण, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के कारण। जबकि यहां बात करें बेरिलियम की ज्यादा मिलेगी किससे, बोरोन से। रीजन क्या आ गया, भेदन क्षमता पेंट्रेशन पावर होगी, क्योंकि यहां पर S2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर किससे निकलेगा, P1 से निकलेगा। तो यहां पर अपन ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, नियोन, फिर किसकी आएगी, फ्लोरीन, फिर किसकी आएगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम बोरोन एंड लिथियम, ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जेड इफेक्टिव का एक्सेप्शन आ गया। बिल्कुल, सेकंड ग्रुप की 13 ग्रुप से ज्यादा हो गई और 15 ग्रुप। आपको क्वेश्चन पूछे कि बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, जेड इफेक्ट ज्यादा होने के कारण नहीं, क्या रीजन है, पेनिट्रेशन पावर। और यहां पर अगर बात करें कि नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, रीजन क्या आ जाएगा सर, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, Which of the following elements, sodium, magnesium, silicon, phosphorus, would have greatest difference between first and second ionization enthalpy? इनमें से किस तत्व के लिए प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मध्य अंतर अधिकतम है? मैक्सिमम। तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेल एलिमिनेट हो जाता होगा। बिल्कुल सर, शेल एलिमिनेट हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी वाली। बेटा देखो, जहां भी अपने को ये लगता हो कि आईपी में डिफरेंस ज्यादा, उसका मतलब ये है उसने आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन थे उसने रिमूव कर दिए, उसने क्या ले लिया, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन उसके पास आ गया। इसने पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, इसे फर्स्ट एंड सेकंड बीच के बीच में किसमें मैक्सिमम डिफरेंस होगा। मैक्सिमम डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड में कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो चुका है। एक आउटर मोस्ट में किसके, एक आउटर मोस्ट में किसके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो है सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिमूव करने पर वो किसमें चेंज हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम के लिए बात करते तो सेकेंड और थर्ड आईपी के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम होता। और सिलिकन के लिए बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो इसके फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस ज्यादा आता है। ऐसे फॉस्फोरस के लिए बात करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस मैक्सिमम होता। तो अपन अब बोल सकते हैं कि अपना जो आंसर आएगा वो कौन आएगा, फर्स्ट आएगा सोडियम। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन आता है। बिल्कुल सर, नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्न अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा,
if electron affinity of fluorine minus 328, first ionization energy of magnesium 737.7 और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 1451. ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. बिल्कुल सर. तो अपन क्या करें कि दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज को ऐड कर देते हैं. बिल्कुल सर. क्योंकि अगर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन बनेगा, तो इसमें आई वन एब्जॉर्ब होनी है और आई टू भी एब्जॉर्ब होनी है. बिल्कुल सर. ठीक है, और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया. तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, लेकिन दो मोल फ्लोरीन के हैं तो टू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी. बिल्कुल सर. ठीक है, अब आई वन और आई टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 737.7 तो ये हो गया, और 1451 ये हो गया. तो ये आपका 7, 8, 8, 7 और 4, 11 और 1, 2, 2188.7 आ गया. इतना तो एब्जॉर्ब हो गया. बिल्कुल सर. एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया. रिलीज कितना होगा? 328 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 × 8 = 16. ये 5 आ गया और ये 6 आ गया. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो 7 तो ये आ गया. बिल्कुल सर. तो ये आ गया 3, ये आ गया, और 21 - 6 तो ये 15 आ गया. तो ये 1532.7 आ गया. फर्स्ट आंसर आ गया अपने. फर्स्ट आ गया. ठीक है, तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट. बेटा इसमें क्या किया अपन ने, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो अपन इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, परंतु आपको ध्यान यहां ये रखना है कि फ्लोरीन कितने ले रहे हैं अपन? 2 ले रहे हैं. 2 फ्लोरीन ले रहे हैं तो अपने को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ही आपको एनर्जी मिलेगी, वरना अगर अपने सिंपल माइनस कर दिया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा. इसलिए स्पेशली ध्यान रखें कि 2 फ्लोराइड है तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. कौन सा? अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पेशीज. निम्नलिखित परमाणु स्पेशीज की व्यवस्थाओं में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इनर्ट गैस में लेकिन एब्जॉर्ब होती है. नॉर्मली एलिमेंट्स के लिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पर कुछ एलिमेंट्स के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है. बेटा ऐसा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सर. इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है. क्या? जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है. इसके लिए क्या आपको डाटा, या तो डाटा याद रखोगे, डाटा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद रहेंगे नहीं आप. इसके लिए आप क्या करें, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लें. तो यहां मैक्सिमम किसकी आएगी? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस एंड लास्ट में कौन आएगा? नाइट्रोजन. ये मैक्सिमम इन्हीं के लिए बात करता है वो आपसे, कि इनमें पूछता है कि इनमें कंपेयर कराता है. कंपेयर कराता है तो आप फटाक से ऐसे याद रख लें. क्या बना दें? एन बना दें, उल्टा एन बना देंगे तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा. इसमें एक क्वेश्चन और बात कर लेता है. नेक्स्ट अपन पेज ले लेते हैं सर. जैसे अपन बात करें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर होनी किसकी चाहिए मैक्सिमम? फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, पर होती नहीं है. किसके कारण? क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज है, इसमें क्या होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा. तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. परंतु यहां ध्यान रखना बेटा आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यहां पर ऑक्सीजन की ये इतनी कम हो जाती है कि ये इसके भी नीचे आ जाता है. यहां मैक्सिमम अपने को किसकी मिलेगी? सल्फर, ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर की मैक्सिमम मिलेगी. और इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो मिनिमम किसकी मिलती है अपने को? ऑक्सीजन की मिनिमम मिलती है. तो ये आपको ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना है. सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. बिल्कुल सर. और 17 ग्रुप में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिलीज सबसे ज्यादा होगी. बिल्कुल सर. क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम लगेगा, कम या ज्यादा लगेगा? क्लोरीन में ज्यादा लगेगा. क्लोरीन में ज्यादा, रिपल्शन कम होगा. ज्यादा लगेगा, रिपल्शन कम होगा. बिल्कुल सर. क्योंकि फ्लोरीन में क्या, साइज छोटी है तो उसमें रिपल्शन ज्यादा. साइज किसकी? पी ऑर्बिटल की ना. हाँ, पी ऑर्बिटल की साइज फ्लोरीन में छोटी है. उसमें 2 नंबर शेल है,
क्लोरीन में कौन सा आ जाएगा, तीन नंबर शेल आ जाएगा। तीन नंबर शेल की साइज कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा और रिलीजिंग एनर्जी ज्यादा होगी, रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन आर। फ्लोरीन क्लोरीन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है। अब ये तो वही आगे जो अभी डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही बात है, रीजन पूछा गया। रीजन पूछा था, रीजन क्या होगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट रीजन फर्स्ट लिखा है हायर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस तो छोटी होती है, बड़ी तो सारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये भी ज्यादा होती है, स्मॉल नहीं होती है। बिल्कुल। पूरी पीरियड टेबल में मैक्सिमम ईएन किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की, क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, नेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम फ्लोरीन की होती है। फिर है वीकर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का एक्सेप्शन दिया, तो यही आंसर हो गया फिर। बिल्कुल सर, आंसर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा। अभी अपने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बात की है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा। रिपल्शन कम मिलेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो मैक्सिमम होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कम प्रतिकर्षण। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईएन किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। बेटा एक याद रखना, एक फ्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि से वाटर से क्या निकाल देता है, O2 निकाल सकता है, वाटर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है सर। तीन ही आदमी, तीन ही ऐसे कंपाउंड है या एलिमेंट बोलूं आपको कि जो वाटर से क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कौन कौन है, एक तो फ्लोरीन है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा कौन, जिनोन F2 की बात करें तो ये भी वाटर से क्या निकाल देता है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री में अपन बात करेंगे तो ये क्या कर देता है, वाटर से ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। और सेकंड थर्ड बात करें अपन जिनोन F4, आपको देखोगे बेटा पढ़ोगे पूरी केमिस्ट्री में अपन, तो ये तीन ही कंपाउंड या एलिमेंट्स की बात करें कि ये क्या करते हैं, H2O से क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। H2O और HCF4 भी। बिल्कुल सर, फ्लोरीन से तो ओजोन भी निकलती है ना वाटर के साथ, फ्लोरीन से ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बन जाती है ना, जैसे 3 moles ऑफ फ्लोरीन और H2O क्रिएट कराते हैं तो क्या होगा, 6 moles तो HF प्लस O3। O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में टूट जाएगा। हाँ, मतलब ओजोनाइज ऑक्सीजन बन जाती है इसमें, O3 प्लस O2 दोनों बना देता है, और ये भी बना देता है HCF2 और HCF4। बिल्कुल सर, ये काम की बात है बच्चों के लिए कि ये तीन ही आदमी है जो वाटर को क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। नेक्स्ट बात करें सर, देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक नेचर, ऊष्मा शोषी प्रकृति का है। तो उसमें तो ये क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये तो एक्सोथर्मिक हो गया ये तो। बिल्कुल सर, ये अपन वैसे ही बोल सकते हैं कि जो ईए फर्स्ट नॉर्मली होती है वो कैसी होती है, अभी बात कर रहे थे अपन, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। और ईए सेकंड होगी वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो अपन ईए सेकंड का प्रोसेस देख लेते हैं इसमें। तो ये ओ नेगेटिव है तो उसमें पहले से नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सर, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेना तो नहीं चाहेगा ये, लेना नहीं चाहेगा तो क्या होगा, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बाहर से देंगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, फर्स्ट सब में तो फर्स्ट है, फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट ये है, ये सेकंड ये है, ये सेकंड कैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक, क्यों आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा मिलता है। हाँ जी, तो फिर एंडोथर्मिक, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब लेकिन ये O2 नेगेटिव है तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो ऑक्टेट्स के हिसाब से देखा जाए, अगर वो टू नेगेटिव है तो इसमें क्या हो गया कि 1s2, ये 2s2 और 2p6 हो गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया, लेकिन सेकंड तो एंडोथर्मिक है। तो एग्जैक्टली जो इसकी स्टेबिलिटी है वो पार्शियली रूप से हम देख रहे हैं, अगर इसको आयनिक कंपाउंड बना के देखें तो जैसे जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर ये बनता है मान लो, तो इसमें जो लैटिस एनर्जी होती है उसी एंडोथर्मिक को कंपनसेट कर देती है। बिल्कुल सर, मतलब जब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो लैटिस एनर्जी काफी रिजल्टेंट एनर्जी जो कंपाउंड बन रहा है, रिजल्टेंट एनर्जी कैसी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तभी कंपाउंड की स्टेबिलिटी आती है। जैसे अपन बॉन हैबर साइकिल देखते हैं, बॉन हैबर साइकिल में यही तो बताते हैं अपन कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर ज्यादा हुआ किसी एंडोथर्मिक से तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी आएगी, वरना स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो रहा है तो फिर एंडोथर्मिक क्यों हुआ। यहाँ पर सर एक गड़बड़ और करते हैं बेटा, आईपी के लिए करते हैं बच्चे, आईपी के लिए करते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे मैंने बोला ओ प्लस है, ओ प्लस टू है, एंड ओ है, एंड ओ माइनस वन है, एंड ओ माइनस टू है। बेटा बच्चे लोग क्या देखते हो बेटा कि इसमें पूछे आईपी किसकी मैक्सिमम है, इसमें आईपी किसकी मैक्सिमम है, तो आप बता रहे हो वही गड़बड़ करते हैं बेटा। क्या
यहाँ 2p6 बन गया है, तो बच्चे क्या सोचते हैं ये तो 2p6 बन गया, ये तो स्टेबल हो गया, तो इसकी आईपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, जब भी एक एलिमेंट के लिए बात करोगे, जब भी एक एलिमेंट के लिए बात करोगे, आंसर अपने को किससे देना है, जेड इफेक्ट से देना है, जेड इफेक्ट से आंसर दोगे तभी सही आएगा, वरना रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ आईपी की बात करें तो मैक्सिमम किसकी आएगी, ओ प्लस टू की, फिर ओ की, फिर ओ, फिर ओ माइनस, और सबसे कम किसकी आएगी, ओ माइनस टू। बेटा यहाँ पर अगर आपको जेड इफेक्ट काउंट करना है, अपने को अपने जो अपन ये फॉर्मूला बताते हैं इससे काउंट नहीं करना, अपने को अपने को फटाक से जेड इफेक्ट काउंट करने के लिए एक सीधा सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या कर देना, जेड बाई ई कर देना। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैलकुलेट जिसके लिए यहां से अपन ने ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो ये है अपने पास जेड इफेक्ट। पर जल्दी से कर, ट्रिकी मेथड अपना एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर वैल्यू नहीं निकलेगी, हां जी, पर कम ज्यादा निकल आएगा, हां बिल्कुल कम है, किसका ज्यादा। इससे अपन किया 8/10 आ गया, इसके लिए अपन ने किया 8/6, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका जेड इफेक्ट ज्यादा, तो आईपी भी ज्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आंसर नहीं देना है, अपने को किससे देना है, इस फॉर्मूले से आंसर देना, वरना आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। सेम टू सेम ऐसे ही चीज अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में भी आंसर किससे देना होगा बेटा, जेड इफेक्ट से देना होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सेम मिलेगा। जैसे क्वेश्चन बात कर लेते हैं अपन, जैसे मैंने बात की कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोराइड -1, नियोन, सोडियम +1 एंड मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। अगर मैं यहां बात करूं आईपी की बात करूं, तो आपके दिमाग में सीधा सा आएगा, अपन बोलते हैं पीरियड में मैक्सिमम किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है, किसकी होती है, इनर्ट गैस। तो इनके दिमाग में क्या आएगा, फटाक से नियोन आएगा। परंतु ये क्या है, एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए आप क्या करोगे, जेड इफेक्ट से आंसर दोगे, मैक्सिमम जेड इफेक्ट अपने को किसका मिलेगा, इसमें एल्यूमिनियम +3 का मिलेगा, तो मैक्सिमम आईपी किसकी मिलेगी अपने को, एल्यूमिनियम +3 की, फिर इसकी, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा किसका बेटा जी, आईपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज होते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड कौन सी चीजें हैं, जब एक पीरियड में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बात करता है, अगर एक एलिमेंट आ जाए या फिर अपन बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ जाए, तो वहां आंसर अपने को किससे देना है, जेड इफेक्ट से देना है। ठीक है सर, इसमें रेडियस का क्वेश्चन भी तो आता है। हाँ बिल्कुल सर, बच्चों हम कई बार पूछ चुके हैं इसके लिए, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इनर्ट गैस में तो वन डबल रेडियस आएगी, बाकी में तो आयनिक रेडियस आएगी। बिल्कुल सर, उस केस में कोई डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है उससे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक चीजें बात कर रहा है, तो अपने को वान डर वाल वगैरह ये नहीं देखनी है, अपने को सीधा सीधा बोलना है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस डिक्रीज होगी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस इंक्रीज होगी। सीधा सा दिमाग में एक ही फंडा रखना है, पॉजिटिव चार्ज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए बोलने का, कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज रेडियस डिक्रीज, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज रेडियस, सॉरी उल्टा बोल के शायद, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज रेडियस डिक्रीज, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज रेडियस इंक्रीज। बिल्कुल सर, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें श्रिंक हो जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ जी हाँ, तो प्रोटॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो कर लिया आपने, ये नहीं किया, हाँ जी देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन हैविंग High values of electron affinity act as strong oxidizing agent. सही है, तो सही लग रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीडाइजिंग होंगे इलेक्ट्रॉन, ई एन ज्यादा है, ई एन ज्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से निकालेगा वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और पूरी पीरियड टेबल में भी अपन बताएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। दूसरा क्या है, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को, इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एस माइनस टू इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एस माइनस टू, तो एस माइनस टू बनने के लिए मतलब दो काम हो गए, पहले तो एस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एस नेगेटिव बनाएगा, तो ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होगी। बिल्कुल सर, और फिर एस नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर एस टू नेगेटिव बनाएगा, ये एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल सर, तो अगर जैसे इसमें एंडोथर्मिक कहा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, टू इसकी वैल्यू डेल्टा एच ई जी वन से ज्यादा होगी। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो टोटल सम पॉजिटिव आ जाएगा, टोटल सम पॉजिटिव आ गया तो फिर फॉर्मेशन क्या होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अपन बात करें कि अगर ये सेकेंड की बात कर रहा है वो,
तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही मिलेगा, एंडोथर्मिक ही मिलेगा, टोटल जो होगा वो एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक ही आएगा, क्योंकि दूसरी वाली ही एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगी बिल्कुल फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, तो सारे सही हो गए। तो बिल्कुल सर, फोर्थ आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ आ जाएगा। बोलो प्लीज। हां जी, अरे ये जो लिखा है कहां गया, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एक्ट एज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एनहाइड्रस कंडीशन में तो बात हो रही है। जब तक नहीं बोले अपने को, जब तक अपने को नहीं बोले, वैसे तो अपन किस में बात कर रहे हैं, एक्वस कंडीशन में बात करते हैं, पर तो ये अगला क्या है, अपने को आईपी और ईए की डेफिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने को गैसी स्टेज में उनके लिए अपन बोलते हैं कि आईपी इनवर्स होती है किसके, रिड्यूसिंग एजेंट की, हां ठीक है ना, और ईए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। तो उसके बेस पर अपने एप्लीकेशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अपन कह देंगे मतलब वैसे लॉजिकली कहा जाए तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर है ये रिडक्शन पोटेंशियल से निकलते हैं। हां बिल्कुल सर, रिडक्शन पोटेंशियल फिर आईपी और ये पे भी डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सर, तीन तीन एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो बता दीजिए बच्चों को, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसमें कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, मैं बता दूं, हां बिल्कुल सर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो तीन एनर्जी पर डिपेंड करता है, किस किस पर, पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हाइड्रेशन एनर्जी, एक्वस कंडीशन में बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरी बात करते हैं अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तीसरी बात करते हैं अपन किसकी, ईए की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, ये कैसा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये कैसा है एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी या कोई भी ऐसी बात करते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और एंडोथर्मिक प्रोसेस कम से कम होना चाहिए। तो ये तो ज्यादा होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फ्लोरीन को पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, हाइड्रेशन एनर्जी है। उसकी साइज कैसी है, छोटी है, साइज छोटी है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अपन बात करें कि एक F2 है, पहले इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेंगे, तो 2F बन गया, ठीक है, इस 2F को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या बन जाएगा, ईए बन जाएगा, F माइनस बन जाएगा, इससे अपन क्या बनाएंगे, एक्वस कंडीशन हाइड्रेशन एनर्जी रिमूव होगी, तो क्या बन जाएगा, F माइनस एक्वस बन जाएगा, F माइनस एक्वस आ गया। ऐसे ही अपन रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर किस पर डिपेंड करती है, पहले तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, सेकेंड क्या आ जाएगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन एनर्जी, तीसरी क्या आ जाएगी अपने पास, आईपी आ जाएगी। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम लिथियम को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाने में किसका महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वही हाइड्रेशन एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम होती है, ये कम होती है, ये कम कर देंगे अपन, जो साइज बहुत छोटा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, तो ये अपने बेटा ये तीनों एनर्जी याद रखें। अगर आपको पूछे कि फ्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है किसके कारण, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण, लिथियम मैक्सिमम रिड्यूसिंग नेचर रखता है किसके कारण, हाइड्रेशन एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, देखिए सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13, ये तो सर वो एक्सेप्शन वाला है, 13 ग्रुप आ गया, डी ब्लॉक के जस्ट बाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर बताइए इसको, इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, क्या बोला, अली गया इंडियन टीम, ये क्या देखो बोला अली, ये एक ट्रिक की मेथड है याद करने का, एल्युमिनियम, हाँ सॉरी ग्रुप के एलिमेंट याद करने का। तो यहां पर क्या है, ये साइज ऑलमोस्ट सेम है, अच्छा किसके कारण, ट्रांजिशन कंडीशन। बेटा आपकी जिंदगी में तीन चांद आएंगे, कौन सा लाल चंद, लाल चंद, अमीर चंद और तारा चंद, तीन चांद है, LC ACTC, हाँ लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, अच्छा एक्टिनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ कौन सा लगा है, ताराचंद, और यहाँ कौन लगेगा, लाल चंद लगेगा, कौन लगेगा, लाल चंद। अगर वैसे नॉर्मली बात करता तो इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है, इनकी साइज किसी कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन है, इनकी साइज किसी कारण लेंथेनाइट, पर बेटा वो एक्यूरेट बात करता है कि किसकी ज्यादा साइज बड़ी होगी, किसकी एकदम बिल्कुल डाटा लेकर बात करता है। तो ऐसी कंडीशन में गैलियम स्मॉल मिलता अपने को किससे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से, ओके। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे स्मॉल अपने को कौन मिलेगा, गैलियम, बोरोन, बोरोन तो है नहीं इसमें, अपन वैसे बता रहे हैं, फिर कौन आ जाएगा, गैलियम, फिर कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम, और इनमें भी बात करें तो इनमें TL थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट तो सेम होते हैं पर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें कौन आ जाएगा, इंडियम, और उसके बाद में कौन आ जाएगा, TL आ जाएगा।
बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया एक तरीके से, ये डाटा याद रखने वाला, क्योंकि नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होगा। बिल्कुल सर। और यहाँ पे एफ की पुअर शीडिंग आ गई और डी की भी पुअर शीडिंग आ गई, तो उसकी वजह से एक्सेप्शन आए। बिल्कुल। और एक्सेप्शन भी उल्टे हो रहे हैं कि एक जगह शेल डोमिनेट कर रहा है और एक जगह पुअर शीडिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है। अब एल्युमिनियम में पुअर शीडिंग डोमिनेट कर रही है तो साइज छोटा हो गया। इसके सर आईपी का अलग ही रहता है, आईपी का और भी अलग है। आईपी का अपने को क्या मिलता है, सबसे ज्यादा बोरोन, सबसे ज्यादा बोरोन मिलता है, फिर कौन आता है, टीएल आएगा, बोरोन के बाद थैलियम आ गया। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में कौन आएगा, यहाँ गैलियम, फिर एल्युमिनियम, और फिर सबसे कम किसकी होगी, इंडियम की, इंडियम की होगी। तो ये भी याद ही रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला है लालचंद? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बस ये याद रखना है। बहुत डिफिकल्ट हो गया याद रखना, और ये पूछा भी गया हो? पूछा तो गया है। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन बच्चों को कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही। इसके लिए ये वैसे आईटी एडवांस का सवाल है अभी। हाँ बिल्कुल, 2019 का ही है, तो उसमें ये पूछा गया था, तो ये बड़ा ही एक्सेप्शनल और याद रखने वाली चीज है। बिल्कुल सर, और बिना उसके तो केमिस्ट्री हो ही नहीं पाती याद रखने के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर अपन एक चीज और बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें पूछ लेता है किसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इधर बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनमें भी साइज की बात करता है, साइज और आईपी दोनों बात करता है। अगर अपन साइज की बात करें, किसकी, साइज की, तो याद रखें, याद करने, इसमें याद करने का तरीका बता रखा है मैंने, क्या मेरा नाम, ये क्या है, ये साइज का ऑर्डर है, मेरा साइज का ऑर्डर आ गया। हाँ, तो सबसे स्मॉल बेरिलियम, बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वाह क्या बात है, ये याद हो जाएगा आपको इजी वे से, डायग्राम याद हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम, एन फॉर मेरा, पिक्चर जल्दी याद होती है लेटर्स के कंपैरिजन में साथ। अगर इनके आईपी की बात करें, मेरा नाम कहां से आया इसमें, एम, एम, एम बन गया ना सर। अच्छा एम बन गया, ओके, और एन फॉर नाम। अच्छा एम और एन दोनों। हाँ, एम को आपने, अच्छा, और अगर आईपी की बात करता आपसे तो अपने को क्या करना है, आईपी के लिए बात कर रहा है तो कुछ भी नहीं करना। वैसे तो अपन बात करें इनकी आईपी ज्यादा होगी किनसे, इनसे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। प्रत्येक तरीका है कि सेकंड ग्रुप वालों की सबकी ज्यादा आईपी होती है किनसे, फर्स्ट ग्रुप वालों से। बस लिथियम भाई साहब है वो कहां आ जाएंगे इनके बीच में, क्योंकि लिथियम की तो आदत है क्या छेड़खानी करने की, तो ये लिथियम छेड़खानी करके कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, बेरिलियम, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर लिथियम आ गया, फिर बेरियम, और फिर वैसा का वैसा, फिर वैसा का वैसा। अच्छा सबकी कम होगी। बिल्कुल सर, मतलब लिथियम की स्ट्रोंशियम से कम हो जाएगी, बेरियम से ज्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बेरियम से ज्यादा हो जाएगी। वाओ, तो याद रखना है तो बड़ा आसान हो गया, तो याद रखना, बस यही तरीके हैं। इनऑर्गेनिक को जितने तरीकों से याद करोगे उतना इजी वे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो क्या, सोडियम प्लस वन है, लिथियम प्लस वन है, मैग्नीशियम प्लस टू है, एल्युमिनियम प्लस थ्री है, एंड बेरिलियम प्लस टू है, एंड बोरोन प्लस थ्री है। इनमें सर साइज के बारे में काफी बार बात कर चुका हूं। अच्छा, इनमें साइज के लिए बात कर चुका है, साइज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनमें, उससे पहले मैं आपके इनके लिए बात करता हूँ बच्चों। बिल्कुल सर, लिथियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। हाँ, डायगोनल रिलेशन होता है, तो इनकी वैसे साइज अपन ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं। हाँ, पर अगर एक्यूरेट बात करें, हाँ, अगर इनकी बात करें तो एक्यूरेट बात करें तो मैग्नीशियम पहले क्या मिलेगा अपने को, लार्ज मिलता है किससे, लिथियम से। पर अगर आयनिक फॉर्म ले लेते हैं लिथियम प्लस वन एंड मैग्नीशियम प्लस टू, तो यहां पर लिथियम प्लस वन हल्का सा साइज में बड़ा होगा किससे, मैग्नीशियम प्लस टू से। अब इनके लिए बात करें तो ये याद ही रखना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज है नहीं, इसका इलाज न्यूट्रल फॉर्म में मैग्नीशियम बड़ा है और आयनिक फॉर्म में लिथियम बड़ा, लिथियम बड़ा। इनके लिए बात करें, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो टॉप टू बॉटम जाओगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगी, सोडियम बड़ा होगा किससे, लिथियम से। इन दोनों के लिए अभी अपन ने बताया कि लिथियम बड़ा होगा किससे, Mg+2 से। तो यहाँ पर ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ गई। हाँ, ठीक है। एक आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज में अपन ने बताया था पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ बात करें तो अपने को बात करते हैं कि इस पर सॉरी नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो एल्युमिनियम प्लस थ्री ज्यादा बड़ा होगा किससे, बेरिलियम प्लस थ्री से, बेरिलियम प्लस टू से। इन दोनों में बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ गई तो कौन बड़ा होगा, बेरिलियम प्लस टू। इसके लिए भी काफी बार बातें कर चुका है वो,
तो इसके लिए साइज का ऑर्डर अपने को ध्यान कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजों की अपन ट्रिक बना चुके हैं। ये बोरॉन का तो थ्योरेटिकल होगा ना, इसका आयन तो एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं एग्जिस्ट नहीं करता इसका, पर अपन थ्योरेटिकली बना रहे हैं कि इससे आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज के आइसोइलेक्ट्रॉन थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। हां जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, लिथियम आयन में बिल्कुल एल्युमिनियम भी करेगा है ना, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल है। हां थ्योरेटिकल है, अपन ने वैसे बनाया है कि आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज के हिसाब से। हां हां ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से थ्योरेटिकल अगर निकाले तो छोटा हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बात करें, बताइए सर। नेक्स्ट ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया, अभी आपने एक्सप्लेन किया था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, निम्न में से कौन सी व्यवस्था उसके आगे दिए गए गुण के अनुसार सही नहीं, सही नहीं है। अब पहला दिया है बस ये ध्यान रखना बेटा आपको, नॉट नहीं, ये चीजें आप क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं गलत कर जाते हैं नहीं सही देखने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ना, हाँ बेटा सही चीजें देखते गलत देख ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर। ओके तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्वेश्चन में नहीं दिखाना है ना, उसमें अगर नॉट लिखा आ जाए तो नहीं निकलना पड़ेगा। तो फर्स्ट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम और फ्लोराइड इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, तो आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज के लिए अपने क्या बोला था, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगी। तो अपन बात करें इसके लिए तो सही लग रहा है, तो बिल्कुल सही, तो ये सही हो गया बिल्कुल सर। अच्छा दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो अभी आपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया ही था। बिल्कुल सर, फिलिंग फर्स्ट का कहा है इन्होंने, तो फर्स्ट तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन की ज्यादा दे रखी है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, हो गया और यही आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि नॉट कहा है उसने। वेरी गुड, तो फिर आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन, ये भी बात कर चुके हैं अपन, ये क्लोरीन की ये ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन के कंपेयर में, ये स्टेटमेंट सही हो गया बिल्कुल। फिर क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस अभी बताई गए अपन ट्रिकी मेथड में। हाँ ये तो एक ही ग्रुप के हैं। हाँ जी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नीचे जाने पे इंक्रीज होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी सही है अपना, सही हो गया ये। तो वैसे रॉन्ग स्टेटमेंट अपना पहले ही मिल चुका है, सेकंड आ गया, सेकंड हाँ सेकंड आंसर आ गया। हाँ जी ठीक है, क्योंकि वही अपन ने बताया कि नोट देखना है, नोट देखना बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, देखिए सर, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर, किस क्षार धातु आयन के लिए जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता अधिकतम होती है। बिल्कुल सर, तो जो आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो लिथियम आयन हो गया, तो इसका मतलब लिथियम आयन का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सर, और हाइड्रेटेड लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा जाएगा, और उसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं मोबिलिटी क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, साइज के, साइज के, तो साइज बढ़ेगी तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अपन ये बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसकी, क्यू बाई आर के, क्यू तो सेम बता रहे हो, क्यू सेम है सारा, फिर आर के इनवर्स हाइड्रेशन है, आर सबसे स्मॉल किसकी है, लिथियम की, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और अपन वैसे बोलते हैं पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा छोटा हो जाता है, छोटा आयन होता है वो मोटा हो जाएगा, और जो मोटा होता है वो छोटा हो जाएगा, मतलब जो हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम हाइड्रेटेड जो होगा उसका साइज बड़ा, बाकी की हाइड्रेटेड फॉर्म से बड़ा हो जाएगा। अगर इनमें सबसे स्मॉल पूछता तो कौन होता, हाइड्रेटेड है ना, हाइड्रेटेड, तो रुबिडियम प्लस वन हो जाता, रुबिडियम हो जाता, और मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन, लिथियम हो जाता। इसमें जल्दी देखा मैक्सिमम पूछिए सर, मैक्सिमम पूछिए गतिशीलता, हाँ मैक्सिमम गतिशीलता पूछिए, तो मैक्सिमम किसकी होगी, रुबिडियम की होगी, क्या मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, हाँ रुबिडियम की होगी, रुबिडियम की आएगी इसमें, और मिनिमम पूछता तो किसकी आती, लिथियम, लिथियम की आती, तो मैक्सिमम ये भी ध्यान रखना है बेटा आपको कि मैक्सिमम पूछ रहे हैं मिनिमम पूछ रहे हैं, वो मोबिलिटी है या साइज है, हाँ साइज है, तो साइज की बात करते तो साइज तो किसकी आती, लिथियम प्लस वन की आती, और मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी, छोटा है, अब वाटर में छोटा कौन है, रुबिडियम है, रुबिडियम है, तो इसकी मोबिलिटी मैक्सिमम होगी, अगर मिनिमम बात करते तो लिथियम प्लस वन की आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, देखिए सर, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव आयन, मतलब ये हुआ कि जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बना Na पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और इसमें कितनी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो अगर इसका रिवर्स प्रोसेस लिखेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, द Na पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन और इसके मिलने से बना Na, तो इसमें क्या होगा कि 5.1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई सोडियम पॉजिटिव आयन की वो माइनस 5.1 हो गई. तो सर इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक प्रोसेस जैसे एक एक्स है, एक एक्स से मैं एक्स माइनस जा रहा हूं, तो अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. ये आईपी होगी किसकी? एक्स माइनस की. कि अपन ये बोल सकते हैं एक प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा. ठीक है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन एक बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा. तो अपन इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? अपना सेकंड आंसर आ जाएगा माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए सर, आयोनिक रेडियाई ऑफ N3-O2-F- आर रिस्पेक्टिवली की आयनिक त्रिज्याएं का ऑर्डर निकालना है. ये आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज आ गई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ गए तीनों. हाँ, तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? फ्लोराइड हो जाएगा सबसे छोटा. आइसोइलेक्ट्रॉन सीरीज में अपन पहले बात कर चुके हैं, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगी. तो अपन देख लेते हैं इसमें N-3 O-2 एंड F-1 नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इस पर. ठीक है, तो इसकी रेडियस मैक्सिमम होगी. ये डाटा बेस क्वेश्चन है, इसमें डाटा देख लेंगे, ये कैलकुलेट नहीं करना है. ये अपने को जैसे ऑप्शन बेस क्वेश्चन है, याद नहीं रखना. इसकी वैल्यू मैक्सिमम यहाँ है, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये. यहाँ पर एक बात अपन बताएं कि बेटा ये ध्यान रखना, आते हुए क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो जाता है, कि उसने ऑर्डर किसके लिए पूछा है? N-3 O-2 F-1 के लिए पूछा है. अगर वो ऐसे पूछ लेता O-2 N-3 and F-1, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन बनेगा. इसमें करेक्शन गड़बड़ हो जाती है कई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. देखिए सर, द एलिमेंट Z इक्वल्स टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी एन 120 एटॉमिक नंबर है. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल और एल्कली मेटल. इसमें अपन देखें सेवंथ पीरियड जो अपना है वो कहां कंप्लीट हो जाएगा? 118 पर कंप्लीट हो जाएगा. 118 नंबर जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन आ रहा है? इनर्ट गैस आएगा. इनर्ट गैस आएगा. तब नया कोई भी अगर पीरियड स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? क्षय धातुओं से, एल्कली मेटल से, फर्स्ट ग्रुप से. और एंड कहां पर होता है? इनर्ट गैस पर एंड होता है. तो 118 नंबर कौन देगा? लास्ट एलिमेंट है वो 118 नंबर का है. बिल्कुल सर, सेवंथ पीरियड कंप्लीट होने पर. तो ये तो गया इनर्ट गैस. और जो 119 नंबर आएगा वो कहां पर आएगा? फर्स्ट ग्रुप में. फर्स्ट ग्रुप में आएगा, एट पीरियड स्टार्ट होगा, एट पीरियड में आ जाएगा. अच्छा, और 120 कहां पर आएगा? सेकंड पीरियड में आएगा, सेकंड ग्रुप में आएगा. सेकंड ग्रुप में आएगा. सेकंड ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे. तो अपना आंसर आ जाएगा सर फर्स्ट हो जाएगा. फर्स्ट आंसर आ जाएगा, नहीं होगा अल्कली भी नहीं होगा. तो 119 होता तो अल्कली मेटल हो जाता. बिल्कुल सर. और 120 हो गया तो अल्कलाइन अर्थ मेटल. अर्थ मेटल. और फिर 121 होता तो आगे आ जाता, डी ब्लॉक में आ जाता. बिल्कुल. तो इनर्ट ट्रांजिशन हो जाता फिर. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें. In comparison to boron, beryllium has. Beryllium और boron का comparison है. First क्या है? Greater nuclear charge. Greater nuclear charge मतलब proton के numbers ही बात हो रही है. Effective नहीं है. And greater first ionization enthalpy. मतलब beryllium greater nuclear charge. In comparison to boron, beryllium has. तो सारे statement beryllium के लिए हैं. बिल्कुल सर. तो greater nuclear charge and greater first ionization enthalpy. तो boron का atomic number तो 5 है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और बेरिलियम का 4. तो उसका ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं हुआ. बिल्कुल सर, तो ये गलत हो गया. अभी अपन ने बात की थी कि बेरिलियम की आईपी ज्यादा होती है बोरॉन से. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण नहीं, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर. दूसरा क्या है? लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है बेरिलियम का. बिल्कुल सर. और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है. तो आंसर आ गया अपना, ये सही हो गया, सेकंड आंसर. बाकी ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट, ये गलत हो गया. बिल्कुल सर. लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आया, ये भी गलत, ये भी रॉन्ग हो गया. तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आंसर. सेकंड आंसर. इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है और लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर. क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें जाएगा. इसका कॉन्फिगरेशन 1s2 और 2s2 हो गया. और इसमें आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p1. मतलब यहाँ से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है वो
पी में से निकालना है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे निकालना है वो एस में से निकालना है। और एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं। बिल्कुल सर। इन कंपैरिजन टू पी इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। पेंट्रेशन पावर अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा किसकी आती है? एस की, एस की, फिर पी की, फिर डी की, एंड फिर एफ की। ये बात अपन हमेशा किसके लिए कहते हैं? एक सेम शेल के लिए बातें करते हैं। सेम शेल के लिए। हाँ, शेल अगर डिक्रीज हुआ तो फिर ये ऑर्डर नहीं रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए सर, 17th, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो तीनों हैलोजन हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन ये अलग अलग। ऐसा क्वेश्चन मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों को कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उनको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। उससे क्या क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जैसे अपन अरेंज करें फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और इधर कौन आएगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन। अगर इनमें अपन साइज की बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी। इनमें बात करें साइज डिक्रीज होगी क्योंकि जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या आएगा? ये अपन ऑर्डर बनाएं तो सबसे बड़ा कौन आ गया? ब्रोमीन, फिर कौन आएगा? क्लोरीन, और इनमें बात करें तो फिर कौन आएगा? कार्बन, फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन, एंड फिर कौन आएगा? फ्लोरीन। तो ये अपना ऑर्डर आ गया। अब एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करना है। ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये ध्यान रखना है कौन एबीसीडी है। तो एक कार्बन कहाँ है? ये रहा। ऑक्सीजन कहाँ है? बी है। फिर कौन है? फ्लोरीन, सी है। फिर डी कौन है? क्लोरीन, एंड ई कौन है? ब्रोमीन। तो ई सबसे बड़ा, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में ई, डी, ए, बी, सी, तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। देखिए सर, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेटल आर 496 एंड 4560। ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद वन मोल ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अगर फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस देखकर अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लग रहा है। बिल्कुल सर। और फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1 होता है। तो अगर मेटल को HCl से मेटल हाइड्रोक्साइड हो रहा है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट कराए तो वेल उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो वही रहता है। तो MOH प्लस HCl मेटल हाइड्रोक्साइड HCl तो वन मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और अगर मेटल हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से कराए तो हाफ मोल की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। H2SO4 ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? M2SO4 M2SO4 हाफ मोल बनेगा और बाकी H2O बन जाएगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं सर, ये एक H+ देगा, ये दो H+ देगा। हाँ, तो इसका एक मोल चाहिएगा, इसके आधा मोल चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके कितने OH मिलेंगे अपने को? एक OH मिलेगा। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, मोनोबेसिक है, ये डायबेसिक है। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा, अपना सेकंड आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा कि HCl का तो एक मोल चाहिएगा और H2SO4 का हाफ मोल चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए सर, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आएंगे। बिल्कुल सर। या एक भी आ सकता है। IE1 ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन IE1 ऑफ मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम की फर्स्ट मैग्नीशियम की फर्स्ट से कम है। सही है, एल्यूमिनियम में पी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और मैग्नीशियम में एस में से निकाल रहे हैं। बात करते हैं पेंट्रेशन पावर, एस की ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे बेरिलियम और बोरॉन में था, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, तो सही हो गया पहला स्टेटमेंट। बिल्कुल सर। ठीक है, द I2 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ सोडियम, ये तो गलत लग रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट, इनर्ट गैस हो गया, मतलब इसमें S2P6 आ जाएगा, तो ये तो स्टेबल है। और मैग्नीशियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो जाएगा, 3s1 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। ये 2s2, 2p6 आ रहा है, ये कम स्टेबल है, तो ये कम होनी चाहिए और ये ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि ये ऑपोजिट बोल रहे हैं, ये अपोजिट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बिल्कुल सर, गलत ही सही निकालना है ना अपन को, तो सही स्टेटमेंट वही अपन बात करें, सही बात, करेक्ट स्टेट बात करनी है अपने को। उसके बाद है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट तो सोडियम की कम होती है। बिल्कुल सर, S1 होता है मैग्नीशियम में, S2 होता है, तो मैग्नीशियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड है, सब शेल हो गया, तो सोडियम की फर्स्ट कम हो जाएगी, तो स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सर।
फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम में से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ये टू पॉजिटिव स्टेट में है, तो इसमें क्या होगा, 2s2 और 2p6 आ जाएगा, इनर्ट गैस बन गया, इनर्ट गैस आ गया। और एल्यूमिनियम अगर टू पॉजिटिव स्टेट में है तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो एक तो p का 1 निकल चुका है और एक s का 1 निकल चुका है, तो इसमें 3s1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। बिल्कुल, ये भी सही हो गया स्टेटमेंट। तो मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए, तो यही बोल रहे हैं मैग्नीशियम की थर्ड आई कमान एल्यूमिनियम। बिल्कुल, तो सही कौन से आ गए, फर्स्ट सही आ गया, थर्ड सही आ गया, एंड फोर्थ सही आ गया। इसके तीन आंसर आ गए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की फर्स्ट आई पे ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए, सेवन होता है, तो ये 1s2 2s2 और 2p3 आ गया। और ऑक्सीजन में क्या होगा, 2p4 आ जाएगा। हाँ जी, तो p3 कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी p4 से ज्यादा हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की फर्स्ट ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। बिल्कुल सर। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की अगर सेकेंड निकालनी है तो हमें ओ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जिसमें 2p3 लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जो 2p3 है वो स्टेबल ज्यादा है, बिल्कुल, नाइट्रोजन के p2 के कंपैरिजन। बिल्कुल सर। तो स्टेबल हो गया, तो उसकी ज्यादा हो गई। बिल्कुल, तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो सेकेंड पीरियड में कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का तो ज्यादा ही होगा नाइट्रोजन से, तो जेड इफेक्ट में डिफरेंस ज्यादा है, जेड इफेक्ट में डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा हो गया, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सर, उसे निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही हो गया। बिल्कुल, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो फोर्थ तो गलत हो ही जाएगा, ये जस्ट उसका ऑपोजिट आ गया, ऑपोजिट आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम एटॉमिक रेडियाई। जिर्कोनियम और हैफनियम तो सर डी ब्लॉक वाले आ गए। बिल्कुल सर, तो इनका सेम, अभी अपन ने तीन चांद बताए थे, तीन चांद, हाँ, लालचंद ताराचंद है, लालचंद ताराचंद और अमीरचंद। लालचंद का मतलब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ताराचंद का मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है, किसके कारण, लालचंद के कारण, किसके कारण, लालचंद, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की साइज सेम नहीं मिलेगी, नहीं। जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि एल्युमिनियम एंड गैलियम के लिए बात करें, इनकी साइज भी अपन ने ऑलमोस्ट सेम बताए थे, इसके कारण कोई चांद आ गया, यहाँ भी एक कौन सा चांद आया, यहाँ पर ताराचंद आ गया, ठीक है। सोडियम और नियोन की सेम नहीं होगी, तो यहाँ पर सेम किसकी किसकी मिल रही है अपने को, फर्स्ट एंड थर्ड की सेम मिल रही है। तो ये जिर्कोनियम और हैफनियम जो है वो 4D और 5D सीरीज में होते हैं। हाँ जी, तो 4D और 5D सबकी साइज सेम होती है क्या, ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है, किसी थर्ड बी को छोड़कर, थर्ड बी को छोड़कर। हाँ जी, अच्छा, थर्ड बी में, थर्ड बी में तो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो उसके बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम सभी के लिए होती है। स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम, यहाँ तो साइज अपन क्या कहेंगे, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इसके बाद ही शुरू होता है। हाँ जी, क्योंकि इसके बाद 14 एलिमेंट आ जाते हैं। हाँ, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, बिल्कुल, लैंथेनाइड आ जाते हैं, उसके बाद हैफनियम आ जाता है। बिल्कुल, और इनमें एक्यूरेट की बात करें, एक्यूरेट की बात करें तो अभी अपन ने बात की थी, गैलियम स्मॉल होता है किससे, एल्यूमिनियम से। एक्यूरेट की बात करें तो गैलियम थोड़ा सा, और इनमें एक्यूरेट बात करें तो, अब देखिए ये मेंस का सवाल है जिसमें अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, उससे पहले जो भी हमने किया था इसमें एक्यूरेट पूछा गया, वो एडवांस का सवाल था। अब इनमें भी सर एक्यूरेट की अगर बात करें तो हाफनियम हल्का सा छोटा आता है किससे, जर्कोनियम से, अगर एक्यूरेट की बात कर रहा है तो, वरना अपन ऑलमोस्ट सेम बोल, ऑलमोस्ट सेम बोल। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट्स W एंड X। W दे रखा है और X दे रखा है। अब W में IE1 आ रहा 10.5, 15.5, 24.9 और फिर 79.8। तो ये अचानक से बहुत इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बिल्कुल सर, तो W के आउटरमोस्ट शेल में हो गए तीन इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और एक्स में देखें तो 8, 14, 14.78 अचानक से इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब एक्स के आउटरमोस्ट शेल में हो गए दो इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ग्रुप का हो गया ये। फिर क्या है, अदर टू एलिमेंट्स वाई एंड जेड हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2NP4, मतलब वाई जो है उसका NS2NP4 है, ये ऑक्सीजन जैसा ग्रुप का मान सकते हैं, वाई में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन जैसा हो गया, ठीक है। और फिर कौन सा है, जेड, जेड का NS2NP5, तो Z का NS2NP5 है, इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लोरीन मान लिया, फ्लोरीन मान लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ले लेते हैं, आपको एक ही बात है वैसे तो, ले लो, तो W को अपन ले लेते हैं एल्यूमिनियम, और इसके दो है तो इसको क्या मैग्नीशियम मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन ले लेते हैं, या फ्लोरीन क्लोरीन को भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ये फ्लोरीन ले लिया। अब क्वेश्चन है कि संभव नहीं है, अच्छा नहीं आ गया, फिर से नेगेटिव होना पड़ेगा, हाँ जी नेगेटिव होना बहुत मुश्किल काम है ना, पॉजिटिव बने रहे तो ज्यादा अच्छा है, संभव नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, तो पहले पॉसिबल निकालो, पॉसिबल निकालना ज्यादा आसान है, नॉट पॉसिबल तो बाद में एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल सर, तो W2Y3 मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो Al2O3 बन जाता है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरा X2Y3, एक्स मैग्नीशियम हो गया और वाई ऑक्सीजन हो गया, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास 6 है, तो 1:1 का रेशियो रहता है ना, MgO बनता है, MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो ये अपना आंसर भी हो गया। फिर WZ2, तो W हो गया एल्यूमिनियम और Z हो गया फ्लोरीन, तो AlF3 बनाता है एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड, जबकि ये क्या बोल रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, भी रॉन्ग हो गया। फिर XZ2, एक्स हो गया मैग्नीशियम और जेड हो गया फ्लोरीन, तो MgF2 बन जाता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, बिल्कुल सर, तो ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये भी सही है सर। ऐसे इसमें एक क्वेश्चन और टाइप से पूछता है, जैसे वो बात करता है, ये इनके लिए बहुत बात करता है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, अच्छा पुराने वाली जो नंबर की पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सर, ये सिक्स्थ ए या फिफ्थ ए के लिए, इन ग्रुप के लिए मैक्सिमम बार हो ऐसे कैसे दे देता है, तो इस फर्स्ट ए कौन सा है अपना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सेकंड ए कौन सा अपना, बेरिलियम बोरोन, सॉरी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, फर्स्ट बी इनके लिए बहुत ज्यादा अपने दिमाग में अजीब सा रहता है, फर्स्ट बी कौन सा हो गया, कॉपर, एजी, एयू, कॉइन इज मेटल, सिक्का धातु, कॉइन इज मेटल, सेकंड बी किसको दे दिया, जिंक, कैडमियम, मर्करी, वोलेटाइल मेटल या फिर वाष्पशील धातु, और थर्ड ए अपना कौन सा आ गया, बोरोन फैमिली आ गया, और सिक्स्थ ए कौन सा आ गया अपना, ऑक्सीजन फैमिली आ गया, फिफ्थ ए कौन सा आ गया, नाइट्रोजन फैमिली आ गया, मतलब मेंडलीव में जो ए और बी सब ग्रुप बनाए थे उनके ऊपर पीरियोडिक टेबल में अलग अलग कर दिया है, बिल्कुल सर, अब मेंडलीव ने दूसरा ग्रुप और जिंक कैडमियम मर्करी को साथ में रखा था, तो दूसरे वाले को उसने एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बाकी जिंक कैडमियम मर्करी, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो दूसरा ग्रुप था उसको तो बना दिया 2A, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और उसके बगल में जो सिमिलर वैलेंसी के एलिमेंट्स रखे थे उनको बना दिया 2B, है ना, ऐसे उसने फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रखे थे, उनके बगल में रख दिए थे कॉपर सिल्वर, क्योंकि वैलेंसी दोनों की सेम होती है, कमियों में काउंट होते हैं लिमिटेशन, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव थे और हाईली नॉन रिएक्टिव दोनों को साथ में रख दिया, साथ में क्योंकि वैलेंसी सेम थी, इसलिए एयू इनर्ट मेटल है, जबकि उसको हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रख दिया था, तो ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक थे, तो मॉडर्न टेबल में उन्हीं को अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया, 1A1 भी कर दिया, बिल्कुल सर, तो जो रिएक्टिव है वो 1A में आ गए और जो कम रिएक्टिव है वो बी में आ गए। नेक्स्ट देखें सर, 23, द सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट UUO, UUO ये तो IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग आ गई, यू का मतलब वन, अन 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 नेम, जीरो ओ है ऑक्टा, ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम, 118 हो गया, ये 118 हो गया, तो लास्ट एलिमेंट हो गया पीरियोडिक टेबल, 1 1 अभी अपन ने बात की थी, 8 118 हो गया, अभी अपन ने बात की थी 118 नंबर को कहां रखेंगे अपन, 118 नंबर में इनर्ट गैस रखा था पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, 7th के पीरियड कंप्लीट होगा, मतलब लोएस्ट राइट कॉर्नर, बिल्कुल सर, लोएस्ट राइट कॉर्नर 118, इट बिलोंग्स टू 7th पीरियड, सही बात है क्या, इनर्ट गैस में आ जाएगा ना लोएस्ट, 7th पीरियड आएगा, कंप्लीट हो रहा है, हां कंप्लीट हो रहा है, 7th तो पीरियड है अभी तक, तो बिल्कुल सही आ गया। अगला इट बिलोंग्स टू 18 ग्रुप, हाँ 18 ग्रुप में होगा, इनर्ट गैस का लास्ट एलिमेंट है, सही हो गया, इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में आ जाएगा लास्ट में,
इट इज एन इनर्ट गैस, ये भी सही है बिल्कुल। तो चारों स्टेटमेंट इसके, वही बच्चा का पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर भूल जाए, उसे याद ना रहे कि 118 कहां पर है, जैसे अभी तो हमें पता है कि भाई लोअर लास्ट क्वार्टर पे होता है, अगर भूल जाए तो फिर वो बच्चा कैसे निकालेगा? आप बताएं, आपकी ट्रिक बताएं। जो एक बहुत एक आसान तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया जाए। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पहुंच जाए उससे ग्रुप निकल आएगा। कैसे बताएं सर? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 18 है तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 ठीक है, 10 और 18 हो गए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3p में, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक तो थर्ड पीरियड में होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने अच्छे और तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 18th ग्रुप हो जाएगा। 10 जोड़ दो, 10 तो बीच में डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, तो 10 और 8 18 हो गया, मतलब 18th ग्रुप हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर, अब जैसे 118 है तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली इसमें 7s2 और 7p6 आ जाएगा, तो 7th पीरियड हो गया और 18 ग्रुप हो गया, 18th ग्रुप हो गया, बिल्कुल सर। तो 7th पीरियड 18th ग्रुप, तो इनर्ट गैस आ गई, बिल्कुल 7th पीरियड आ गया, 18th ग्रुप आ गया, पी ब्लॉक आ गया और इनर्ट गैस आ गया। तो एटॉमिक नंबर अगर पता है तो हम इससे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज और आर करेक्ट, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ मिनिमम एटॉमिक रेडियस, बताओ सर यार। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ मिनिमम एटॉमिक रेडियस, बेटा अगर पहली बात की जाए एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1 है, पहला तो सबसे स्मॉल इसकी रहेगी, तो ये अपना स्टेटमेंट सही है। हीलियम इज एन एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट आईपी, बेटा अगर पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो मैक्सिमम आईपी अपने को किसकी मिलेगी, हीलियम की मिलेगी, और मिनिमम आईपी किसकी मिलेगी, सीजियम की मिलती है। अगर अपन फ्रोनशियम को वगैरह छोड़ दें, रेडियोएक्टिव एलिमेंट उसके लिए बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हाईएस्ट आईपी किसकी मिलेगी अपने को, हीलियम की मिलती है, क्योंकि अपन देखते हैं कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैक्सिमम आईपी किसकी मिलती है, इनर्ट गैस की, और मिनिमम किसकी मिलती है, एल्कली मेटल्स की। तो ये इनर्ट गैस, पहली इनर्ट गैस यही है जिसकी मैक्सिमम मिलेगी। क्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट ईए, क्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सर, होने की इसकी चाहिए थी, क्लोरीन की होनी चाहिए थी पर होती नहीं, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, 2p सेल कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देते हैं, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट आईपी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, सीजियम की लोवेस्ट सीजियम की होती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपने सही स्टेटमेंट कौन सा आगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही निकाल लेते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, सही करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को, करेक्ट स्टेटमेंट 3 हो गए, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें, हाँ नेक्स्ट देखिए सर, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एलिमेंट शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ शायद, हाँ ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बी लेटेस्ट में आया था। तो नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जैसे ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन की ऑक्साइड बनाता है -2 हो गया, और ऑक्साइड बनाएगा -1 हो गया, सुपर ऑक्साइड बनाएगा -1/2 हो गया, फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो +1 भी हो जाता है, बिल्कुल सर, और +2 भी हो जाएगा। तो ये तो जैसे अपन एग्जांपल है O2 OF2 एंड O2 F2, अच्छा हाँ, तो O2 F2 में +1 और OF2 में +2 क्लोरीन है, क्लोरीन मेटल से कंबाइन करेगा तो -1, बिल्कुल सर, अगर नॉन मेटल से कर गया तो फिर +1 हो सकता है, +3, बिल्कुल सर, +5, मतलब ये भी नॉन, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लोरीन एक शरीफ है, मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास नहीं रखता, मोस्ट नेगेटिव है, तो फ्लोरीन का केवल एक ही होगा -1, और तो कुछ होता ही नहीं है फ्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखता है, तो फ्लोरीन का -1 हो गया और एक ही हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये बन गया, अशून्य, नॉन जीरो। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन तो बहुत सारे दिखाता है, नाइट्रोजन तो -3 से लेके +5 तक सारे शो कर देता है, -3 नाइट्रोजन दिखा देता है अमोनिया में, NH3 में नाइट्रोजन का -3, तो -3 to +5 नाइट्रोजन के सारे होते हैं, इतने सारे तो ऑक्साइड बनते हैं इसके। फास्फोरस सेम नाइट्रोजन फैमिली का है, इसके भी -3 से +5 तक हो जाते हैं। ये टिन हो गया 14th ग्रुप का, पर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, +2 और +4 दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, +4 और +2 दोनों हो जाते हैं, तो SN+2
और दूसरा हो गया SN प्लस 4 प्लस 4। इसमें ज्यादा स्टेबल सर कौन सा होता है? प्लस 4 ज्यादा स्टेबल होता है। और साथ में ये याद रखना बेटा, SN प्लस 2 में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि प्लस 4 ज्यादा स्टेबल है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और दो इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये थैलियम, इसमें भी वो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा, प्लस 1 एंड प्लस 3, TL प्लस 1 एंड TL प्लस 3 प्लस 3। यहां ज्यादा स्टेबल कौन है? TL प्लस 1 ज्यादा स्टेबल। मतलब ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और 13th ग्रुप एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो कर देता है। तो प्लस 1 प्लस 3 दोनों हो गया। सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का है, ये तो एक ही है, एक प्लस 1 रिप्रेजेंट करेगा ये तो ओनली। और टाइटेनियम, टाइटेनियम तो डी ब्लॉक में आ गया, टाइटेनियम में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, रिप्रेजेंट करते हैं। देवलोक वाले तो वैसे ही इनकी नेचर होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अपने पास कितने आ गए सर? दो आंसर आ गए, दो, एक तो ये रहा फ्लोरीन आ गया और एक सोडियम आ गया। सोडियम आ गया। ये दोनों ही क्या करेंगे? एक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आज के लिए पीरियड टेबल में अपने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, इससे आपको समझ में आया होगा कि थ्योरी क्लियर की करने की कोशिश की हमने। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू।